मैं इस वक्त इंडोर स्टेडियम और बख्शी स्टेडियम के बाहर हूं। लगातार लोग आ रहे हैं रैली में शिरकत करने के लिए और आप देख सकते हैं कि यहां पे कितने सारे लोग आए हैं अलग अलग एरिया से। हालांकि हम कोशिश करेंगे कुछ लोगों से पूछने की भी, लेकिन इस वक्त हर कोई आप हमसे बात करना चाहेंगे। आप बताएं कहां से आप आए हैं? हम सारी शरीफ से आए सर। तो क्या खास उम्मीद लेके आए आप? बस यही है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को यहाँ पे आना है तो हमें पता है कि इससे डेवलपमेंट हो जाएगी। इसका मकसद यही होगा, हमारे जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट होगी इंशाल्लाह, हमें पूरा भरोसा है इस बात। तो अभी कितने मुतमईन हैं आप जो कुछ हुआ जम्मू कश्मीर में? हालांकि धारा 370 हटाने के बाद बीजेपी का भी कहना है कि काफी विकास हुआ, क्या विकास हुआ वाकई? मतलब इसमें पता है कि डेवलपमेंट तो हो रही है, कि होने जा रही है। अभी तो मोदी के 10 साल ही चल रहे हैं और आगे भी हमें इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसमें डेवलपमेंट। लोग बहुत आ रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लोग आ रहे हैं तो उनको आना ही, ये तो इस गवर्नमेंट से खुशी मेरे ख्याल से रखते हैं और उनको ये उम्मीद है कि लोगों की डेवलपमेंट यहाँ पे हो, तरक्की हो, तो इसलिए मेरे ख्याल से लोग लगातार आ रहे हैं। हम भी लगातार कोशिश करेंगे कि लोगों से हम बात कर पाएंगे, चाहे वो बुजुर्ग हों, जवान हों या फिर महिलाएं हों। और जिस तरीके से यहाँ पे हम देख रहे हैं बुजुर्ग भी आ रहे हैं, जवान भी आ रहे हैं, इनसे बात करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से आए हैं आप? सर शरीफ से। आप बताइए कि क्या उम्मीद लेके आए हैं, क्यों आए हैं रैली में? जी बताए। मोदी जी को देखने आए, उनकी स्पीच सुनने आए? हाँ और क्या, मोदी जी की स्पीच सुनने आने। तो कितने बजे निकले थे घर से? हम 5 बजे निकले। काफी सारे लोग हैं इर्द गिर्द आपके साथ, कितने सारे लोग आ गए? हमारे साथ 200-300 लोग आ गए। अच्छा, ये चार शरीफ एरिया जो है डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में पड़ता है, ये वहाँ से आए हैं। और ये कहा जा सकता है चाहे बुजुर्ग हों, जवान हों, यहाँ पे महिलाएं हों, तो वो लगातार यहाँ पे आ रही हैं। हालांकि उमर अब्दुल्ला ने कल ये भी कहा था कि सरकारी मुलाजमों को भी लाया गया है, उसका बीजेपी ने जवाब दिया, कहा कि नींद हराम हो गई है उमर अब्दुल्ला की और नेशनल कॉन्फ्रेंस की। तो ये अभी आप देख सकते हैं इर्द गिर्द जो कुछ भी दिख रहा है, तो ये बहुत सारे लोग हर तरफ से दिख रहे हैं। तो अभी सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं लोग जो हैं लंबी लंबी कतारों में हैं और उनको पहले सर्च की जाती है उनकी, और उसके बाद ही उनको आगे जाने की इजाजत दी जा रही है। आप हमसे बात करेंगे? हाँ, तो आप बताएं कहाँ से आए? बांडीपोरा से। बांडीपोरा से क्यों आए रैली में? मोदी जी को सुनने। मोदी जी को सुनने। तो क्या उम्मीद है, क्या होना चाहिए जो अभी तक हुआ, क्या मुतमईन है आप? डेवलपमेंट होनी चाहिए। डेवलपमेंट और क्या क्या चीजें चाहते हैं आप कश्मीर में होनी चाहिए? कश्मीर में डेवलपमेंट होनी चाहिए, इंडस्ट्रीज होनी चाहिए। जी, तो आपके एरिया में अभी तक क्या क्या प्रोजेक्ट्स हुए? मैग्नमाइज हुई रोड। तो मुतमईन है आप? जी मुतमईन। आप हमसे बात करना चाहेंगे क्या? आप बताइए क्या चाहते हैं आप, क्यों आए यहाँ? तो काफी सारे लोग जो शरीफ से आए, तो काफी सारे लोग अलग अलग इलाकों से आए हैं और ये सिलसिला लगातार जारी। हालांकि अभी सुबह का टाइम है और अभी लगातार जो है लोगों की भीड़ हमें यहाँ पे दिख रही है। अब जिस तरीके से बीजेपी ने कहा कि 2 लाख लोग आएंगे, अब सब पर उसकी उस पर ही सबकी नजरें हैं। और क्या कुछ कहेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आज, उस पर सबकी नजरें रहेंगी। मैं ये कहूंगा कि देश भर से, दुनिया भर से लोग इस चीज को क्लोजली मॉनिटर कर रहे होंगे कि आज कश्मीर आके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी क्या कहेंगे। लेकिन जब भी कोई वीआईपी आते हैं, वीवीआईपी आते हैं, तो यहाँ पे एक बड़ी चुनौती रहती है सुरक्षा को लेकर। लेकिन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि हर किसी को यहाँ पे आने दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि जो लोग यहाँ पे आना चाहते हों उन्हें रोका जाता है। लेकिन इसी वजह से जो है चेक पोस्ट जो है खड़े कर दिए गए हैं, जगह जगह पे सर्च की जा रही है और उसके बाद ही आगे जाने की इजाजत दी जा रही है। हम देख रहे हैं कि सुबह 4:30 बजे से ही गाड़ियों की मूवमेंट अलग अलग जिलों में देखने को मिली और लोग इसी तरीके से आ रहे थे। मैं कैमरा पर्सन फेरोज से कहूं कि थोड़ा सा ऊंचाई पे चढ़ के दिखाएं कि किस तरीके से लोग लगातार यहां पे आ रहे हैं। ये बख्शी स्टेडियम में रैली हो रही है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहले श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उसके बाद वो आगे बादामी बाग पहुंचेंगे चॉपर में, और फिर बादामी बाग से लेके वो यहाँ इंडोर स्टेडियम और बाद में बख्शी स्टेडियम जो है वहां पे पहुंचेंगे। तो इस तरीके से ये कहा जा सकता है 12 बजे के करीब जो है ये रैली का आगाज होगा। समझा जा रहा है कि 11 बजे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लैंड करेंगे श्रीनगर के एयरपोर्ट पे। तो यहाँ आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं, और हम कोशिश करेंगे लगातार जो है लोग आ रहे हैं उनसे बीच बीच में बात करने की, क्या है उनकी उम्मीदें, क्या सोच के यहाँ पे आए हैं, क्योंकि हमने
हमने यहाँ पे देखा कि हाल ही में जो पहाड़ियों के लिए रिजर्वेशन दी गई, तो काफी सारे ऐसे लोग भी हैं जो पहाड़ी तबके से ताल्लुक रखते हैं, वो भी लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। महिलाएं आ रही हैं, यहाँ पे नौजवान आ रहे हैं और साथ ही बुजुर्ग भी आ रहे हैं, और ये सिलसिला हम तकरीबन पिछले एक घंटे से लगातार देख रहे हैं कि काफी ज्यादा संख्या में यहाँ पे लोग आ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की स्पीच सुनने के लिए, उनकी रैली में शिरकत करने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं। आप बताइए कहाँ से आए हैं आप? हम सूरत से। आप सूरत से आए हैं, गुजरात से आए हैं, मोदी जी के अपने घर से, ये कहा जा सकता है? हाँ जी। तो क्या स्पीच सुनने के लिए आए हैं? नहीं जी, हम तो वहाँ जा रहे हैं। अच्छा, आगे रैली में जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि रैली में शिरकत करने के लिए कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सूरत गुजरात से आए हुए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि एक तो यहाँ के जो लोग हैं जो इस रैली में शिरकत कर रहे हैं वो तो है ही, लेकिन अगर यहाँ पे कोई इर्द गिर्द कोई टूरिस्ट भी है वो भी यहाँ पे आना चाह रहा है, उसमें कुछ लोग वैसे भी है।